एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आईवी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू, और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप डील कर रहे हैं किसी हेयर फॉल के साथ या फिर कोई भी हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस प्रोडक्ट। ये है सेसा की तरफ से और ये आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, और ये इनका बड़ा पैक है, फैमिली पैक जिसे कहते हैं, जो कि 200 ml का है और प्राइस है 245 rupees। और आप इसे ले सकते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या फिर bigfada.com से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द प्रोडक्ट। तो ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर सारी जो प्रोडक्ट्स डले हुए हैं वो आयुर्वेदिक हैं। इसमें कोई पैराबेंस नहीं है, कोई भी इसके अंदर मिनरल ऑयल नहीं है। तो ये जो बना है ऑयल, ये बना है 18 हर्ब्स के साथ, और ये इसके अंदर डले हैं 5 एसेंशियल ऑयल विद मिल्क, जो आपके स्कैल्प को नरिश करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, आपके बालों को ग्रोथ अच्छा देंगे और साथ में एक शाइन भी देंगे, जो इसमें नहीं मेंशन है। बट आई एम फीलिंग कि मेरे बालों में एक बहुत ही प्यारा शाइन आ गया है इसको लगाने के बाद। तो जब से ही स्टार्ट किया है इसे लगाने, मतलब फर्स्ट डे से ही इसने मेरे बालों को ऑसम कर दिया है। आई एम रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट। तो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ इसका रिव्यू। तो इसके अंदर सारे ही, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट डले हैं और काफ़ी मुश्किल नाम है, विच आई कांट रीड। तो मैं आपको दिखा दूंगी, नहीं तो यहाँ पर क्लिप होगा जो जिससे आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स डले हैं। तो ये जो काम करता है, ये आपके बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन पे भी काम करता है ऑयल। ये जैसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं समर्स में, आई रियली फेस दाने अपने स्कैल्प पर, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक करता है और आगे नहीं आने देता है ऑयल। बेस्ट थिंग है। दूसरा है, अगर आपको हेडेक है या फिर कोई स्ट्रेस हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं काम की वजह से, घर की वजह से, या कोई भी स्ट्रेस रहता है, तो आप ये ऑयल लगाएंगे, इसकी चंपी करेंगे, आपका स्ट्रेस बिल्कुल गायब हो जाने वाला है और आपको बहुत ही प्यारी नींद भी आने वाली है। और ये हमारे फॉलिकुलर्स को नरिश करता है, जो हेयर फॉलिकुलर्स होते हैं उसको नरिश करता है, प्रमोट करता है नया हेयर ग्रोथ के लिए। कईयों का हेयर ग्रोथ कम हो जाता है, मेरा हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होता था। आई यूज़ टू कीप, मेरे शोल्डर तक ही बाल रहते थे, बट नाउ आई हैव ग्रोन माई हेयर एंड आई एम रियली लविंग इट, क्योंकि इस प्रोडक्ट ने मेरी बहुत हेल्प की है। और अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो जाता है, कईयों को डैंड्रफ भी रहता है बालों में, या फिर लाइस जुएं हो जाती हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, आगे आने नहीं देगा और बिल्कुल ठीक कर देगा। तो ये तो इसका आउटर कवरेज है जो मैंने संभाल के रखा है आपको दिखाने के लिए। जो इसकी इनर बॉटल है वो कुछ इस तरह की है, प्लास्टिक की बॉटल है, बेस्ट है थिंग, क्योंकि ये टूटने नहीं वाला, स्टर्डी बॉटल है, कुछ इस तरह की है बॉटल। और कैप बहुत ही अच्छे से टाइट हो जाता है, तो आप इसे ट्रैवल फ्रेंडली, ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं, ये ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल है। तो ये कुछ इस तरह का नोजल है, आई कैन शो यू अंदर का, बिकॉज ऑयल बहुत नीचे चला गया है, थोड़ा सा ही लगता है, ग्रीन कलर का ऑयल है, उसका जो खुशबू है थोड़ा सा नॉर्मल से स्ट्रांग है। क्यों मैं आपको झूठ बोलूंगी, इसका खुशबू बहुत लाइट है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, कभी कभी लगता है कि स्ट्रांग लग रहा है, तो मैं इसे पानी के साथ डाइल्यूट कर लेती हूँ। आप भी इसे पानी के साथ डाइल्यूट कर लीजिएगा अगर आपको स्ट्रांग लगे तो। वैसे ही काम करेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि हम किसी ऑयल या सीरम में पानी डाल दें तो वो काम नहीं करेगा, तो ये काम करने वाला है। टाइट कर लीजिए कैप अच्छे से, तो ये निकलने भी नहीं वाला, और गिर भी जाए बॉटल तो टूटने भी नहीं वाला। इसकी शेल लाइफ है 3 साल, जो सफिशियंट टाइम है। इसका एक छोटा पैकिंग भी आता है 100 ml का, शायद मैं पहले बता चुकी हूँ, तो आप उसे भी मंगवा सकते हैं अगर आप बड़ी बॉटल नहीं मंगवाना चाहते हैं। तो सेसा के काफी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, जो मैं बहुत जल्दी आपके साथ एक एक करके रिव्यू करने वाली हूँ। आई एम रियली लविंग इट, और मैं बिल्कुल रिकमेंड करने वाली हूँ आपको भी कि आप प्लीज इसे यूज कीजिए, और अगर आप यूज कर रहे हैं तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।